गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास सिक्स एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो इस नंबर में हमें क्या करना है, 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए, इसका हमें क्या करना है, 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8, और उसके बाद 1, 2, 3, 3, 0। और फेस वैल्यू जो होगा, आपको मैंने बताया था कि फेस वैल्यू वही होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू जो नंबर दी गई होती है वही होता है। अब इनका हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, -8। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 7,992। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट्स डिफरेंट। यानी ये कह रहा है कि 3-डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि सारे डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे 3-डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 100 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारे डिजिट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर जो होता है वो 100 होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। तो डिजिट अगर डिफरेंट होंगे तो 1, 0 एंड 2। अगर 1, 0, 1 लिखते तो भी क्या होता, 1 रिपीट हो जाता, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 102। क्वेश्चन नंबर 8 में 4-डिजिट लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट 4-डिजिट तो हम जानते हैं क्या हो सकता है, 9, 9, 9, 9, ये 4-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। लेकिन इसमें देखिए सारे नंबर डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही डिजिट बार बार रिपीट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा लार्जेस्ट होगा 9, 8, 7, 6, ये क्या होगा, 4-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी सारे नंबर डिफरेंट हैं, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। यानी ये कह रहा है कि 3-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसको रिवर्स करने पर भी वो चेंज ना हो। स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज ऑन इट्स रिवर्सिंग इट्स डिजिट। यानी 3-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 100 होता है, लेकिन अगर 100 लिखेंगे तो क्या होगा, वो 0 दो बार रिपीट हो रहा है और रिवर्स करने पर वो नहीं आएगा। अगर हम 101 लिखते हैं, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 101, यानी रिवर्स करने पर भी इस साइड 101 101। हाउ मेनी डिफरेंट 3-डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 2, 0 एंड 8 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। यानी ये कह रहा है 3-डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं 2, 0 और 8 को यूज करके, और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। यानी 3-डिजिट का नंबर कितने नंबर्स लिखे जा सकते हैं इन डिजिट का यूज करके, 2, 0 और 8 का, और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं, 208 ये पहला नंबर है, 280, 820 और 802, इतने नंबर्स बन सकते हैं। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 5-डिजिट नंबर्स लिखना है और इन डिजिट्स का यूज करके। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा जो नंबर होगा 8, फिर उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0, यानी 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0,
स्मॉलेस्ट लिखना है, अगर कहीं भी जीरो आता है तो जीरो हम पहले प्लेस पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो पहले प्लेस पे लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू, फिर जीरो, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर एट। इन डिजिट्स का यूज करके हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से सॉल्व करिए, जस्ट ये 11th क्वेश्चन की तरह ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल? तो देखिए, ऑल फोर डिजिट्स नंबर्स टोटल कितने होंगे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा है, फोर डिजिट नंबर्स टोटल कितने होंगे? तो बहुत ही आसान है। आप देखिए, फोर डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट का है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। और लार्जेस्ट नंबर कहाँ तक जाएगा, 9999, यानी 1000 से लेकर के 9099 तक जाएगा। अगर हम ये समझते हैं कि ये भी एक नंबर क्या है, ये भी क्या आएगा, इसको भी हम काउंट करेंगे फोर डिजिट में। और अगर हम क्या करते हैं, 9999 में से -1000 कर दें, और फिर क्या करें, जो ये 1000 है वो भी एक है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर्स आ जाएंगे। टोटल नंबर्स फोर डिजिट में कितने होंगे, तो हम जब इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 9000। क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही सॉल्व करना है, यानी फाइव डिजिट के में कितने टोटल नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 924 एंड दैट ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हमारा नंबर जो है 924 है, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने का मतलब इसको जस्ट उल्टा लिखते हैं, 4, फिर 2, फिर 9। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 924 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 429 को। तो आंसर हमारा जो आएगा 495। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं या जिनको खुद से करने के लिए कहा गया है, प्लीज़ उसको अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करिए। धन्यवाद।